हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ ब्लैक एडिशन के बारे में, और साथ ही साथ मैं इसका अपडेट भी आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें क्या क्या अपडेट मिल रहे हैं और क्या क्या नए फीचर मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, जैसा कि इस गाड़ी को लॉन्च हुए लगभग 2 साल हो गए, तो 2 साल पहले ये कलर नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, कुछ महीने पहले। जैसे कि पहले इसमें आपको ब्लू कलर मिल जाता था, वाइट कलर मिल जाता था और रेड कलर, 3 कलर में एक्सट्रीम 160R अवेलेबल था, लेकिन अब स्टेल्थ ब्लैक एडिशन में आ गया है। और इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 163 सीसी का फ्यूल इंजेक्शन एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो 15 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है 8500 RPM में, और 14 Nm मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6500 RPM में। इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाएगा चेन ड्राइव के साथ, वेट मल्टी प्लेट क्लच इसमें यूज होता है, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर है, 12 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है, और माइलेज लगभग 48 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। ये ओनर क्लेम करते हैं जो पहले से गाड़ी ओन कर चुके हैं। और सामने में आपको 276 mm का सिंगल चैनल ABS डिस्क ब्रेक मिल जाता है 17-inch अलॉय व्हील के साथ, 100 नंबर का टायर फ्रंट में डाला हुआ है, और जो आगे का सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। वहीं अगर पीछे सेक्शन की हम लोग बात करें तो पीछे में आपको 220 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाता है 220 mm का, और 17-inch व्हील साइज मिल जाएगा, 130 नंबर का टायर, दोनों ही टायर ट्यूबलेस डला हुआ है, और पीछे का जो सस्पेंशन है वो 7-step एडजस्टेबल सस्पेंशन है, मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इस गाड़ी की वजन जो ड्राइव वेट है वो 138 kg है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है 160cc सेगमेंट में, और व्हील बेस है 1327 mm का व्हील बेस है, दोनों चक्के आगे और पीछे के बीच का लेंथ, और ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, और सीट हाइट 790 mm का इसमें आपको सीट हाइट मिल जाता है। और इसमें जो चेसी यूज हुआ है वो ट्यूबुलर डायमंड टाइप चेसी इसमें यूज हुआ है, अधिकतर हीरो की बाइक में ट्यूबुलर डायमंड चेसी नहीं लगा हुआ रहता है। और इसके अलावा इसमें आपको अगर प्राइस की बात करें तो ये रांची झारखंड में 1,40,000 ऑन रोड प्राइस में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसे फिनांस भी करा सकते हैं, कम डाउन पेमेंट पे दे के लगभग 40,000 दे के इसे फिनांस करा सकते हैं। रेस्ट ऑफ EMI 2 साल, 2.5 साल और मैक्सिमम 3 साल के लिए आएगा। और इसमें कुछ फीचर है जैसे कि फुल LED हेडलैम्प पहले जैसा है, और चारों इंडिकेटर LED है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें दिया गया है, और जो बैकलाइट है वो भी LED बैकलाइट है, इंजन कट ऑफ स्विच भी दिया गया है इसमें, और भी बहुत सारे फीचर हैं इसमें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।